हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3। उम्मीद करती हूँ सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रही होंगी एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ अर्थनवेयर। अर्थनवेयर की इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछी है आपको, तो यहाँ पर इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ई ए आर टी एच ई एन डब्ल्यू ए आर ई, अर्थनवेयर। और फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो इसका मीनिंग होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा आपका, वो आपका बी हो जाएगा, एफ एल ए एम बी ओ वाई ए एन टी, फ्लैम्बॉयंट। और इसका जो आपका मीनिंग होता है वो होता है आकर्षक, आकर्षक या फिर उज्ज्वल भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस की आपको स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट क्या होती है आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, जी ए डबल आर यू एल ओ यू एस, गैरुलस। और इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है आपका बातूनी, यानी कि बहुत ही बातें करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आप गैरुलस बोल सकते हो या फिर बातूनी। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग इज़ ग्रेयश। ग्रेयश की स्पेलिंग आपको सही बतानी है कि कौन सी होती है, तो 4 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, जी आर ए वाई ई एस एच, ग्रेयश, यानी कि भूरा जिसको आप बोल सकते हो, या फिर धूसर, धूसर भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज़ होमसिक। होमसिक की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एच ओ एम ई एस आई सी के, होमसिक। और इसका मीन्स क्या होता है आपका, तो इसका मीन्स होता है आपका ग्रह सक्त। ओके, ग्रह सक्त इसका मीनिंग होता है, या फिर आप इसको ग्रहातुर भी बोल सकते हो। ओके, ग्रहातुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको इसमें से चूज़ करनी है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लीडर एंड नॉट द फॉलोवर्स डैश अरेस्टेड। लीडर और जो फॉलोवर्स था वो अरेस्ट नहीं हुए, तो यहाँ आपको चूज़ करने की हैव भी ना आएगा, हैज़ भी ना आएगा, वर या आर। तो प्लीज़, अगर किसी को क्वेश्चंस का आंसर पता होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपका बी होगा, हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पर लीडर के लिए जो है सिंगुलर फॉर्म आएगी, हैज़ बीन। नेक्स्ट, शी टॉक्स एज इफ शी डैश द मैनेजर। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो जो है वो बातें करती है एज इफ, यानी कि मानो कि शी। यहाँ पर आपका जब कोई सेंटेंस कंडीशनल होता है जिसमें कोई कंडीशन शो हो रही है हमें, और वो चीज़ है ही नहीं जो उसमें बोल रहा है कि मानो कि ऐसा होता, तो वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, शी टॉक्स एज इफ शी वर द मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाइदर ऑफ अस डैश टू मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो आपका डी होगा, इज़ गोइंग। आपका यहाँ पर नाइदर के साथ आपका सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी, इज़ गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शंस दिए हैं आपको 9 और 10 क्वेश्चन के लिए, इसमें से चूज़ करना है। फोर अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वंस। फोर अल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से चूज़ करना है आपको वन जो आपका करेक्ट हो ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन। डू यू वॉन्ट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। क्या आपको बलून्स चाहिए, उसने बच्चे से कहा।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा. ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून्स. ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड वांटेड बलून्स. ही आस्क्ड द चाइल्ड डिड इट वांट बलून्स. या फिर ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वुड वांट बलून्स. तो देखिए यहाँ पर आपका ही आस्क्ड तो इसमें आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका इसमें ही आस्क्ड तो आएगा ही आएगा. तो यहाँ पर आपका 9 क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही होगा. ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वॉन्टेड बलून्स, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसलिए आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वॉन्टेड हो जाएगा इसमें. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस. मैं इस ड्रेस में कितनी गंदी लग रही हूँ, उसने कहा. तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, उसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बताइए. शी सेड दैट हाउ अगली शी वॉज लुकिंग इन दैट ड्रेस. शी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली शी लुकड इन दैट ड्रेस. शी एक्सप्रेस्ड हाउ अगली शी लुकड इन दैट ड्रेस. या फिर शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुकड वेरी अगली इन दैट ड्रेस. तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा. शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुकड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट आपका शी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका शी में कन्वर्ट हो गया ये उसके अकॉर्डिंग. दिस का आपका दैट में चेंज होगा, ठीक है, और लुक जो था वो आपका लुकड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द idiom द गिफ्ट ऑफ द गैप इज. idiom दिया है आपको द गिफ्ट ऑफ द गैप, तो इसका आपको सही मीनिंग बताना है क्या है. तो इसका जो मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आपका ए होगा, एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली. बहुत ही ईजिली और कॉन्फिडेंटली बोलने की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप. नेक्स्ट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ व्यू इज. व्यू की जो फेमिनाइन जेंडर है वो आपको पूछा गया है क्या है, होता है इसका, तो आपका डी होता है बैले. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस. नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है 13 में, तो यहाँ पर आपको देखना है. चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ये देखते हैं. इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से सेज आर नॉट चेंज्ड. बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको जो नॉट करेक्ट है वो बताना है, तो आपको 3 सही है. आपका फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. सेकंड में देखते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच सैड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ टोल्ड. टोल्ड की जगह सैड यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये भी सही है. सी में इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज़ सो इन प्लेस ऑफ दस. दस की जगह हम यूज़ करते हैं अस का, ये भी राइट है. और नेक्स्ट देखते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच नाउ इज चेंज्ड इनटू देयर. यहाँ आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नाउ बिल्कुल भी चेंज देयर में नहीं होता है, ठीक है. ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर्म्स वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. कौन सी इसमें से जो है करेक्ट नहीं है, नाउन से आपको इसमें चेंज करना है, मतलब वर्ब्स नाउन से आपको वर्ब में चेंज करना है, तो बताइए कौन सा आपका सही है कौन सा गलत. अट्रैक्शन से अट्रैक्ट सही है, ब्लैकनेस से ब्लैक इन सही है, ब्यूरियल से ब्यूरी ये भी सही है, बट क्लैरिटी से क्लियरली नहीं सही होगा आपका, क्योंकि क्लियरली आपका एक एडवर्ब हो जाएगा. ओके सॉरी, क्लियरली आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत होगा. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग. इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्ट है आपकी 15 में एवोर्शियस की. तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी ए ऑप्शन सही होगा, ए वी ए आर आई सी आई ओ यू एस एवोर्शियस. और इसका जो मीनिंग होता है आपका एवोर्शियस का, जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं एवोर्शियस का मीनिंग क्या होता है. ओके नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस. नरेशन के रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ऑप्शन वो बताना है. इनमें से 3 सही हैं आपके और बाकी एक गलत है, तो देखते हैं कौन सा इसमें गलत है. चेक करते हैं इन इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. ये सही है आपका बिल्कुल,
सेकंड इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी यूज कनेक्टर दैट, उसमें दैट यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टर की जगह, बिल्कुल सही है। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, कमांडर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट एज पर द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव, बिल्कुल सही है। हम इन उसके सेंस पर जाके देखते हैं कि कौन सा आएगा, ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, एडवाइस या रिक्वेस्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज कर देते हैं उसको। लास्ट ऑपरेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट इज आस्क्ड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा जो स्टेटमेंट्स है उसमें सही नहीं है, चलिए करते हैं चेक। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है उसकी, राइट है। सेकंड, यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी सही है क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट से ही आपका रेफर किया होता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट सम क्वालिटी ऑफ वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, तो आपको नोट करेक्ट ही बताना है, ये आपका गलत है आपका यहाँ पर। और लास्ट में देखिए, मोडल वर्ब्स डू नॉट टेक एज इन द थर्ड पर्सन, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 617 का जो सही ऑप्शन होगा आपका राइट वो सी है, क्योंकि ये नोट करेक्ट है इसमें, और ये हमें सेलेक्ट करना था कि नोट करेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, 18 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा चेक करते हैं। चलिए, द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव, जो ing फॉर्म होती है वर्ब की वो एडजेक्टिव के रूप में भी आपकी इस्तेमाल की जा सकती है, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज द पास्ट टेंस फॉर्म टू मेक सजेशंस अबाउट व्हाट माइट हैपन, जब हम पास्ट टेंस का यूज़ हम सजेशंस को बनाने के लिए भी कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, राइट है। सी, प्रपोजिशन ऑन इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम्स, ये आपका गलत हो जाएगा। एंड राइट डी देखते हैं, एट प्रपोजिशन इज यूज विद सर्टेन मेजर हॉलीडेज एज पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये भी आपको बिल्कुल सही है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, ओके, ये आपका गलत ऑप्शन है इसमें। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, गंगापुर जो है वो किस प्रकार का नाउन है आपका बताना है, तो गंगापुर आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी शहर का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द हार्ड इन द सेंटेंस, ही इज़ वर्किंग हार्ड, इस सेंटेंस में आपको हार्ड बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो 20 क्वेश्चन है आपका उसमें आपका ए यूज़ होगा एडवर्ब, क्योंकि हार्ड यहाँ पे आपका एडवर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब को डिफाइन कर रहा है वर्किंग हार्ड, कि वह हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए वर्किंग को जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वर्ड वो आपका एडवर्ब कहलाता है, ओके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो अपनी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन, इनमें से कौन सा पजेसिव प्रोनाउन का जो है एग्जांपल है वो आपको बताना है। तो 21 का आपका राइट ऑप्शन दिस हो जाएगा, ये आपका सॉरी 21 में आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका दियर्स होगा, सी नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा दियर्स, यहाँ पर यही एक पजेसिव प्रोनाउन है, बाकी आपके नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड, इनमें से देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस इनमें से चूज करना है, ओके। ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड, नेक्स्ट है ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्स टू हिज फील्ड, ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड एंड ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सन टू हिज फील्ड, तो आपको ऑक्स की इसमें जो है, बाकी तो सेम है पूरा सेंटेंस, जो ऑक्स होता है इनके बैल उसकी आपको प्लूरल फॉर्म इसमें से बतानी है, अगर आपको वो पता है तो आप सेंटेंस 100% करेक्ट करोगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो जो ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो ऑक्सिस नहीं होगा बल्कि ऑक्सिन होगा,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्शन टू हिज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 23, आई गेव हिम 3,000 रुपीज नोट। बी ऑप्शन में आई गेव हिम 3,000 रुपी नोट्स, आई गेव हिम 3,000 रुपीज नोट्स, या फिर लास्ट आई गेव हिम 3,000 रुपीज नोट्स। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो यहाँ पर एक जो अमाउंट है वो एक यूनिट शो कर रहा है, ना कि अलग अलग। तो आपका 23 में जो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, आई गेव हिम 3,000 रुपी नोट्स। ओके, नेक्स्ट 24, द मेजोरिटी लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल। जो मेजोरिटी है उसे पसंद है बास्केटबॉल खेलना। ओके, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, तो आपका 24 में जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द मेजोरिटी लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है सही है। 25 में है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एज चेयरफुल एज ए लार्क, सिर्फ यही एक सही है, बाकी में आपका एज बिजी एज ए बैट नहीं होता, एज बिजी एज ए बी होता है, यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो। सी वाले में आपका एज कनिंग एज ए डॉग नहीं, एज कनिंग एज ए फॉक्स, फॉक्स राइट होगा इसमें। और इसमें एज हैप्पी एज ए डंकी नहीं, एज फुलिश एज ए डंकी, गधा तो बेवकूफ़ होता है ना इसलिए। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कौन सा पेयर जो है इसमें मिसमैच्ड है, तो आपका सिंपल प्रेपोजिशन डाउन सही है ये भी, फ्रेजल कंपोजिशन विद रिगार्ड टू ये भी बिल्कुल राइट है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन टचिंग सही है, बट आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं होती इन स्पाइट ऑफ। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव जो है करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्यू फॉर इन्फॉर्मेशन, आपका रॉन्ग है, बाकी आपका सही है सब, हॉस्टिलिटी विद राम, फीवर एट द रेलवे स्टेशन एंड नाइदर ऑफ देम, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोड स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पंक्चुएशन को लेकर कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है, नॉट करेक्ट, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक्स प्रेजिडेंट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डैश का यूज़ किया है, बल्कि यहाँ पर आपका हाइफन यूज़ होना था, हाइफन आएगा एक्स प्रेजिडेंट, ये वाला इन्होंने यहाँ पर डैश यूज़ किया है, तो जो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजन जो है सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है इसमें भी, तो आपका 29 में भी सी ऑप्शन राइट होगा, स्टॉर्म इन ए मिल्क कप, ये गलत है, ये होता है ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ये आपका राइट होगा, बाकी आपके सही है, इन्होंने इसमें गड़बड़ की है सी वाले में, यही बताना था हमको कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड या एंटोनिम सीक्वेंस। कौन से इसमें से सीक्वेंस सही नहीं है वर्ड एंटोनिम्स के को लेकर, तो आपका यहाँ कैलिबर जो है वो उसका डीमेरिट है, बिल्कुल सही है ये, बी एबंडन का एक्सेप्ट सही है, एबेट का एड सही है, बट एब्रीविएट का डेफिशिएंट बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सा वर्ड जो है इसमें मिसस्पेल्ड है 31 में, तो आपका यहाँ पर डेरोगेटरी जो है आपका मिसस्पेल्ड है, बाकी डिसएसोसिएशन और डिसेंडेंट और डर्मेटरीज आपके सही हैं सारे, डेरोगेटरी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रपोजिशन। कौन सी जो वर्ब है इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है, तो आपको 32 में बताना है कौन सा सही है, 32 का आपका देखते हैं। चलो, वोटिंग फॉर द रूलिंग पार्टी, 1/4 ऑफ द स्कूल, द टीम इज इन कंप्लीट डिजायरी एंड स्कूल इज लोकेटेड बिसाइड ए हॉस्पिटल, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये बी साइड जो है रॉन्ग होगा, यहाँ पर बिसाइड्स आएगा, स्कूल इज लोकेटेड बिसाइड्स ए हॉस्पिटल। 33 में देखिए, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग फॉर ए मूवी,
स्विंग ऑन द पार्क या प्लेइंग इन द पार्क, कौन सा रॉन्ग है? तो 33 में आपका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, स्विंग ऑन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू हाइफन, हाइफन को लेकर इसमें कौन सा स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट है? देखते हैं, ए व्हेन द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट वी यूज हाइफन, सही है बिल्कुल ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, इन कंपाउंड न्यूमरल्स वी यूज हाइफन, कंपाउंड न्यूमरल्स में भी हम हाइफन यूज कर सकते करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। विद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वी यूज हाइफन, ये भी सही है। बट इन इनडायरेक्ट नरेशन फॉर कोटेशन वी यूज हाइफन, आपका गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को लेकर कौन सा जो है इसमें मिसमैच है? तीन इसमें बिल्कुल सही है और आपका एक रोंग है, रोंग ही आपको बताना है। तो 35 में आप देखिए, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स सही है, वाइसरी का वाइसराइन सही है, कोर्ट का फिलिप भी सही है, बट जेंटलमैन का जेंटल वूमेन बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का सिनोनिम कौन सा नहीं है इसमें से? तो आपका 36 में जो है आपका डी गिल्टी, इनोसेंट का जो सिनोनिम नहीं है गिल्टी है वो, बाकी सारे इसमें इनोसेंट के ही आपके सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, जो चॉइसेस दी हुई हैं ब्रैकेट्स में आपके, उनको देखकर आपको चेंज करना है सेंटेंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं टीजीटी और पीजीटी में, आपको अच्छे से प्रैक्टिस अगर इनकी करोगे तभी आप वहाँ पर कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ वहाँ पर आप भूल जाते हो सब कुछ, इसलिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है आपके लिए, प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। देखते हैं 37, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इसको आपको इट विल नॉट या फिर इट वॉन्ट कीप अस अवेक, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा 37 में। देखते हैं क्या होगा इसका 37 का। ए में आपको दिया है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, नेक्स्ट में है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, सी में देखते हैं द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो इट विल वॉन्ट कीप अस अवेक, डी में है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस अवेक। तो फ्रेंड्स, जो 37 का राइट आंसर होगा वो आपका ए है, क्योंकि इसको हमें सिंपल में चेंज करना है, तो इसमें एंड यूज़ नहीं होगा। कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमको वो जगा कर रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हैव द गर्ल्स आस्क्ड द क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखते हैं, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय गर्ल्स, या फिर हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, या फिर हैज़ दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, एंड लास्ट में हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है, आप देखिए इसमें से। 38 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो आपका बी है, हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, बिकॉज जो सेंटेंस है आपका ऑलरेडी ही आपका पास्ट परफेक्ट में चल रहा है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको चेंज करना होगा, आपको हैव की जगह हैव बीन करना होगा, मीन्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे तो आपका हैव जो है आपका हैज़ में हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बीन हमने लगा दिया इसके साथ, ओके, क्वेश्चन मार्क भी पीछे है, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39, इंडिफरेंट, आपको बताना है कि इंडिफरेंट डिनोट्स, यानी कि इंडिफरेंट का सिनोनिम्स मान भी सकते हैं आप, सिनोनिम मान सकते हैं इसको, या फिर इसका सेम मीनिंग किसका है और, तो इंडिफरेंट का जो मीनिंग होता है आपका वो होता है उदासीन बोल सकते हो आप इसको, या तटस्थ बोल सकते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो आपका अनकंसर्न्ड होता है, दोनों इसके दूसरे सिनोनिम्स हैं, इंडिफरेंट का अनकंसर्न्ड, आपका सिमिलर तो आपको पता ही है एक जैसा होता है सिमिलर, वेरियस भिन्न भिन्न, और शाय जो होता है वो शर्मिला होता है। हम आपको एक के साथ सारे जो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं सबके मीनिंग्स बताते चल रहे हैं, ताकि आपके एक के साथ फोर वोकैब्स आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाए, इससे आपको वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका 40,
कंडम डिनोट्स, कंडम जो है वो आपको कौन किसको डिनोट्स करता है, कंडम्स का मीनिंग जो होता है वो होता है आपका निंदा करना, या फिर भाग्य में कोई जो लिखा होता है वो मीन्स वैसे निंदा करना ज़्यादा इसका सुटेबल लगता है कि निंदा। तो इसका आपका 40 का जो होगा वो आपका सेंश्योर होगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, सेंश्योर। अप्रूव बताइए आपको मंजूरी, डेस्पियर आपका निराशा होता है, क्वालिटी किसी चीज़ के गुण। 41 प्रीपोस्टरस डिनोट्स, प्रीपोस्टरस किसको डिनोट्स करता है फ्रेंड्स, इसका मीन्स जो होता है वो आपका हास्यास्पद होता है, जैसे कि बेतुका या हास्यास्पद। ओके, तो आपका जो इसका सिनोनिम होगा वो आपका एब्सर्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, बेतुका या फिर बेढंगा या फिर हास्यास्पद इसको बोलते हैं आप। प्रीडिफाइंड जो होता है वो आपका पूर्व निर्धारित बोलते हैं इसको, प्रीडिफाइंड को, ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 42 ब्रीथ टेकिंग डिनोट्स, ब्रीथ टेकिंग किसको डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स जो 42 है आपका, ब्रीथ टेकिंग का मीन्स जो होता है वो आपका होता है असाधारण, या फिर आपका प्रभावशाली भी इसको बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो है सी होगा, स्पेक्टेकुलर, सेम मीनिंग होता है दोनों का, दोनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ओके, कॉस्टली, ट्रिक और टायरिंग, तो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आप इनके मीनिंग्स आपको पता ही है। बाकी आप इंसीडियस देखिए नेक्स्ट में, 43 में इंसीडियस किसको डिनोट्स करता है, इंसीडियस बोलते हैं, नहीं फ्रेंड्स आप इसको हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंसीडियस मीन्स क्या होता है। ओके, आप सर्च करके या जिसको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें हमें इंसीडियस का मीनिंग क्या होता है। चलिए इसका सिनोनिम हम आपको बता देते हैं 43 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड आपको दिया है, गिवन वर्ड है आपका, इसका आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। फेमस, फेमस इज द मोस्ट फेमस वर्ड ऑलरेडी, फेमस मीन्स होता है आपका प्रसिद्ध, और इसका अपोजिट होगा अननोन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ओके, और जो आपका इग्नोरेंट होता है वो अनभिज्ञ होता है किसी चीज़ से, वर्थलेस क्या होता है, बिल्कुल जिसका कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई वर्थ ही ना हो, वो होता है वर्थलेस। ओके, और जो नोट्रियस होता है आपका, नोट्रियस का मीनिंग होता है आपका बदनाम, बदनाम को बोलते हैं आपका नोट्रियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 स्पूरियस, स्पूरियस का मीन्स क्या होता है आपका, इसको आप फाल्स या फेक भी बोल सकते हैं, मीन्स जो आपका नकली होता है, और इसका जो अपोजिट मीनिंग आपका पूछा है इसमें, अपोजिट वर्ड देना है ना इसमें, तो अपोजिट क्या होगा आपका नकली का, असली यानी कि ऑथेंटिक, या फिर आपको इसको बोल सकते हैं जेन्युइन। ओके, यथार्थ, ऑप्शन नंबर ए इसको सुटेबल करता है अच्छा। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर्स बताइए। रियल जो है आपका, रियल यथार्थ को बोलते हैं, इन ऑथेंटिक जो होता है वो जो सच नहीं होता, इसका स्पूरियस का ही सिनोनिम्स होता है, बट यहाँ आपको हमें अपोजिट बताना था। ओके, और आर्टिफिशियल भी बनावटी होता है, ये भी इसका सिनोनिम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट में आपका चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आपको चूज़ करनी है जो आपके ऑप्शन में दी गई है। तो 46 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है सी विल रीच हेयर डैश 4 PM, सी विल रीच हेयर पे यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आपका एट जो है आपका करेक्ट प्रपोजिशन है इसमें, एट 4 PM। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ कि वह 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। 47 देखते हैं, पवन स्ट्रक द हॉर्स डैश ए स्टिक, पवन स्ट्रक द हॉर्स क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें आप बताइए। तो इसमें आपका हॉर्स विद ए स्टिक आएगा, 47 का बी आएगा, विद इज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन 48 द टाइगर स्प्रैंग डैश द डियर, तो 48 का आपका जो राइट ऑप्शन है वो अपोन आएगा, क्योंकि वो जंप कर स्प्रैंग हो रहा है उसके ऊपर, तो द टाइगर स्प्रैंग अपोन द डियर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दे डैश दैट शी वुड कम, तो 49 में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दे टोल्ड हिम दैट शी वुड कम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 50 डैश, स्टार्टिंग में डैश है ए बाइक शी हैज़ ए कार। ओके,
तो 50 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो आपका डी होगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स ए बाइक शी हैज़ ए कार. ओके, बिसाइड्स इज द बेस्ट प्रपोर्शन फॉर द सेंटेंस, क्योंकि बिसाइड मतलब बिसाइड का जो मीन्स होता है बिसाइड्स का वो होता है आपका उसके अतिरिक्त बाइक के अलावा भी, सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार भी है. ओके, और ये जो ये वाला बिसाइड होता है इसका मीन्स होता है बगल में, बिटवीन तो पता ही है बीच में, और अमंग, अमंग भी बीच में, इनमें डिफरेंस होता है फ्रेंड थोड़ा सा. बिटवीन जो होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर दो चीज़ों के लिए, बट आप अमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको सेंटेंस में चूज़ करना है कि किसका यूज़ सही है इसमें, जो ब्रैकेट्स में दिया है इसकी जगह हैज स्टार्टेड जैसे इसमें दिया है इसकी जगह कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं. इट मस्ट हैज स्टार्टेड व्हेन आई वाज 8 or 9 ईयर्स ओल्ड व्हेन द कर्स ऑफ कर्सिव राइटिंग स्ट्रक मी. इट मस्ट हैज स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड के लिए आपको फोर ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा इसमें राइट है. तो आपका 51 में जो है आपका ए ऑप्शन जो है राइट होगा आपका 51 का, क्योंकि हैव स्टार्टेड इसकी जगह आएगा व्हेन आई वाज 8 or 9 ईयर्स ओल्ड व्हेन द कर्सिव राइटिंग स्ट्रक मी, हैव स्टार्टेड. ओके, नेक्स्ट, एज फियर्ड डिफरेंस इनटू द फैमिलीज पोस्ट हर्डल, फैमिलीज पोस्ट ए हर्डल. तो बताइए इसमें क्या आएगा 52 में. 52 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका होगा सी, डिफरेंस अमंगस्ट, क्योंकि फैमिलीज की बात हुई है यहाँ पर, डिफरेंस इनटू तो नहीं आएगा, डिफरेंस अमंगस्ट आएगा उसमें. ओके, आपका राइट हो जाएगा डिफरेंट अमंगस्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 53. अप टू द टाइम ही वॉज नॉट हेयर वी वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम. तो 53 में जो आपका अप टू है इसकी जगह आपको चेंज करना है, सेलेक्ट कीजिए अपना 53 का क्या आएगा. 53 में जो है आपका ए ऑप्शन राइट होगा, टिल द टाइम ही वॉज नॉट हेयर वी वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम, आपका ए ऑप्शन सही रहेगा इसका. नेक्स्ट देखते हैं 54. द स्टोव टू लिट यूजिंग ए मैच स्टिक ईच वीक लिट इंडिविजुअली. ओके, तो चूज़ कीजिए टूलेट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें. तो 54 में आपका जो है सी ऑप्शन राइट होगा आपका, वॉज लिट. ओके, टूलेट की जगह हम वॉज लिट यूज़ करेंगे इसका. नेक्स्ट 55. एवरीबॉडी वॉज देयर एक्सेप्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ की जगह आपको यहाँ पर चेंज करना है क्या आएगा 55 में. तो 55 में जो माई सेल्फ की जगह यूज़ होगा वो आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मी. एवरीबॉडी वॉज देयर एक्सेप्ट मी, यानी कि मेरे अलावा वहाँ पर सब थे. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका पैराग्राफ दिया है जिसको आपको रीड करके क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक आंसर करने हैं. जिसको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें से चूज़ करना है बट पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग. ओके, चलिए पैराग्राफ्स देखते हैं. द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट. पहली बात तो यह है कि जो पहली बात है वो ये है कि जो स्कॉलर होता है उनको कभी भी अम्यूजमेंट के लिए किसी बुक को नहीं पढ़ना चाहिए. हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो ही अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और उनको इसलिए ब्लेम भी नहीं किया जाता. दे आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, और वो इनकैपेबल रहते हैं अप्रिसिएटिंग में जो डीपर क्वालिटीज़ होती है लिटरेचर की, ग्रेट लिटरेचर की, जो वास्तव में गहराई में जो उसके गुण होते हैं उसको बाहर निकालने के, मतलब बाहर ला ही नहीं पाते वो उसको, क्योंकि वो तो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहे होते हैं उसको. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement. But जो एक young man होता है जो एक university के course से pass होकर आया है
उसको शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसको खुद को डिसिप्लिन में खुद को ट्रेन करना चाहिए एट एन अर्ली डे, पहले दिन से ही, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, उसको केवल अम्यूजमेंट के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए. एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और एक बार जो डिसिप्लिन की हैबिट एक बार फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, तो वह ऑटोमेटिकली इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़े. ओके, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक, और वह जो है उसके बाद इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, वो उस बुक को रख देता है पहले ही साइड में हो कर देता है उसको, जिससे उसको जो इंटेलेक्चुअल फूड होता है, मतलब जो उसकी बुद्धिमत्ता का जो विकास होता है उसको, जिससे वो नहीं मिल पाता उसे. एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस, और कोई भी बुक जो उसके हायर इमोशंस और जो उसका इंटेलेक्ट है उसको नहीं, उस तक पहुँच पाते, तो उनको नहीं पढ़ता वो. बट ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और जो हैबिट होती है केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने वाली, बन जाती है विल विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और अफीम स्मोकिंग, जैसे कि वाइन ड्रिंकिंग की होती है हैबिट होती है और अफीम स्मोकिंग की होती है, सेम ऐसे ही बन जाती है ये. इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, और ये एक नारकोटिक की तरह हो जाता है, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो पास टाइम पास करने के लिए हेल्प करती है. समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट. थिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ ऐसा जो टाइम पास करने में हेल्प करे, एंड समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और कुछ ऐसा जो सपनों की जो कंटिन्यू जो परपेचुअल कंडीशन होती है, मीन्स जो निरंतर स्थिति होती है वो, एंड समथिंग दैट एवेंचुअल रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट्स, और विचारों की जो सारी कैपेसिटी होती है उसको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है. फॉर गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सर्फेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और ओनली जो केवल जो होती है गिविंग एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ही माइंड के लिए सर्फेस पार्ट्स हो सकती है, एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड. डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स होती है, यानी कि गहराई वाली फीलिंग्स होती है वो, एंड हायर फैकल्टीज, और जो हायर फैकल्टीज यानी कि हमारी जो ऊँची योग्यता होती है उनमें हमें छोड़ देती है, ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, यानी कि उनमें हमारे बेरोजगारी की अनुभूति उसमें छोड़ देती है, उसका इफेक्ट छोड़ देती है. तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बेस पे आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने दिए हैं, वो आप करते हैं, देखते हैं इनका क्या है. देखते हैं 56. द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट एबल टू, राइटर्स यहाँ बोलता है कि हाफ एजुकेटेड पर्सन्स जो होते हैं वो नॉट एबल टू, किस में एबल नहीं होते हैं वो, तो आपको राइट आंसर चूज करना है इसमें 56 में. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्रिशिएट्स हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा. नेक्स्ट 57, द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स, नारकोटिक का जो मीन्स होता है पैसेज में वो क्या है इसमें, तो यहाँ पर जो है आपका 57 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इंटॉक्सिकेंट. ओके, नेक्स्ट 58, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स, जो तो हायर फैकल्टीज जो आया है इस फ्रेज में, जो फ्रेज आई है हायर फैकल्टीज इन द पैसेज, इसमें मीन्स क्या है इसका 58 में, बताना है आपको. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वेज ऑफ एंजॉइंग थिंग्स, मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, या फिर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द माइंड, क्या है इसमें से. तो 58 का जो राइट ऑप्शन है आपका सी होगा, मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं 59, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, इवेंचुअली का जो मीनिंग है वो आपको बताना है आपको पैराग्राफ्स में से. 59 का क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर बी होगा 59 का, एट लास्ट. ओके ओके, एट लास्ट है इसका इवेंचुअली का मीनिंग. ऑप्शन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, जो वर्ड है अनएम्प्लॉयड पैसेज में उसका मीन्स बताना है आपको क्या है 60 में. जॉबलेस, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग, या अनयूज्ड. तो 60 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा, अनयूज्ड. ओके, आगे चलते हैं. चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, जो कैपिटल्स में आपको वर्ड दिए हैं उनके क्लोजेट मीनिंग बताना है आपको, या आप कह सकते हो इनको सिनोनिम्स बताना है आपको. ओके, तो आपको डी में और 61 में आपको डी में और दिया है, डी में और का आपको
बताना है क्या होता है। तो डिमोर आपको बोलते हैं, डिमोर का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका संकोची, संकोची। ओके, डिमोर का मीनिंग होगा संकोची। और इसका जो क्लोजेट मीनिंग है वो आपका है रिटायरिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, रिटायरिंग। ओके, रिटायरिंग का मीन्स भी होता है संकोची। बाकी आपके इंटेंशनल जो होता है वो आपका जानबूझकर किया गया कुछ होता है जो, उसे बोलते हैं इंटेंशनल। अनरिजर्व्ड यानी कि स्पष्टवादी या फिर अनारक्षित भी इसको बोल सकते हो। और जो ब्लंट है आपका, ब्लंट बोलते हैं मंदबुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62। रिडंडेंट, रिडंडेंट किसको बोलते हैं? रिडंडेंट का मीनिंग्स होता है अनावश्यक, यानी कि अनावश्यक। ओके, तो इसका जो क्लोजेट मीनिंग होगा आपका 62 का, अनरिडंडेंट का, वह आपका सुपरफ्लुअस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सुपरफ्लुअस। इसका मीन्स भी होता है अनावश्यक। बाकी आपका रूड जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, उसको आप रूड बोल सकते हो। ब्रूटिश, ब्रूटिश जो होता है पशुवत व्यवहार होता है, यानी कि जानवर के समान व्यवहार किसी के साथ करना, उसको बोलते हैं ब्रूटिश। कोर्स, कोर्स बोलते हैं इसको, अश्लील या फिर गंदा। ओके, अश्लील या फिर गंदा बोल सकते हैं आप इसको बहुत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 को देखिए, विंडिकेट। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? विंडिकेट का मीनिंग होता है आपका न्याय संगत, न्याय संगत। ओके, और इसका क्लोजेट मीनिंग यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है विंडिकेट का, वो है आपका जस्टिफाई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जस्टिफाई। ओके, जज आपको पता ही है, निर्णय करना, आर्ग्यू तर्क करना, और एक्सप्लेन किसी चीज़ की व्याख्या करना। 64, प्रोलिफ्रेट। प्रोलिफ्रेट का मीन्स क्या होता है? तो ये होता है कि प्रचुर मात्रा में, या फिर यानी कि पर्याप्त, या फिर प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ को आप बोल सकते हो। ओके, इसका सिनोनिम आपका होगा मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसके लिए। ओके, आपका असिस्ट जो होता है वो असिस्ट बोलते हैं आपको, सहयोग करना किसी का। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम होता है घोषित करना, और सपोर्ट किसी को सहयोग करना। नेक्स्ट देखते हैं एम्पायरिकल, 65। एम्पायरिकल का जो मीन्स होता है एम्पायरिकल का, वो आपका व्यावहारिक होता है या फिर अनुभविक, अनुभविक या व्यावहारिक इसको बोल सकते हैं। और इसका जो क्लोजेट मीनिंग होता है वो आपका प्रैक्टिकल होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसमें राइट। स्पिरिचुअल आपका आध्यात्मिक या धार्मिक। रॉयल होता है शासक, मतलब शाही जिसको बोल सकते हो आप। और थियोरेटिकल होता है सैद्धांतिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, 66। हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? द बार्ड ऑफ एवन किसको बोला जाता है? तो द बार्ड ऑफ एवन जो है वो आपका शेक्सपियर को बोला जाता है। ये इसका, इनका एक नाम था, इनको, इनके लिए यूज़ हुआ था फ्रेज द बार्ड ऑफ एवन। ओके, और शेक्सपियर का जो बर्थ था वो हुआ था आपका 1564 में, और इनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स, हु स्पीक दिस लाइंस? ये लाइंस किसने बोली है? 67 का आपको राइट ऑप्शन चूज करना है इसमें से, पोलोनियस ने बोली है, या फिर होरेशियो ने, क्लेरटीज ने, या प्रोस्पेरो ने, चूज करना है आपको 67 का राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स है आपकी पोलोनियस ने बोली है, पोलोनियस स्पीक्स दिस लाइन्स इन हैमलेट। और हैमलेट जो है वो शेक्सपियर के द्वारा रिटन किया गया है 1601 से 1602 के बीच में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 68। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अपियर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में लाइन्स अपियर हुई हैं? ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड, किस में ये लाइनें जो है अपियर हुई है? यूज चूज करना है एज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, या फिर किंग लियर में। 68 का राइट ऑप्शन आपका जो है वो होगा एज यू लाइक इट, ऑप्शन नंबर बी इसमें से राइट होगा आपका। एज यू लाइक इट में जो लाइनें हैं वो आपकी अपीयर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 69। मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड,
हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है, चूज करना है वैरिटी, मैकमिलन, पैटिसन या फिर बश, किसने दिया है 69 में। तो 69 में जो राइट आंसर है आपको मैकमिलन होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैकमिलन ने स्टेटमेंट दिया था मिल्टन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, ये स्टेटमेंट किस में, कौन सी पोएम में दिया गया है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज रिगेंड में, लिसिदास, पैराडाइज लॉस्ट या फिर कॉमस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अब पैराडाइज लॉस्ट आपकी जो है 1616 में पब्लिश हुई थी, 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, द ब्लिस, सो द लाइन्स ब्लिस वॉज इटिन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन ऑकर्स इन द पोएम ऑफ, तो कौन सी पोएम से लाइन ली गई है, मतलब किसकी पोएम से ली गई है लाइन, ये आपको बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या फिर क्रिस्टोफर मार्लो की। 71 का राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम से लाइनें ली गई हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था, 1770 में, और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 72, रॉबर्ट साउथे वो सक्सीडेड बाई डैश एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, ए टेनिसन, बी अर्नोल्ड, सी वर्ड्सवर्थ या डी शैली, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वर्ड्सवर्थ, और ये 1843 में पोएट लॉरिएट वहाँ पर बने थे, वर्ड्सवर्थ जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, दोज लाइन्स ऑकर्स इन द पोएम, ये जो लाइनें हैं वो कौन सी पोएम में आपकी ली गई हैं 73 में, चूज़ करना है आपको, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द टेबल टर्न से या द रिवर टर्डन या फिर टिंटर्न एबी से, तो बताइए 73 का राइट ऑप्शन जो होगा आपका टिंटर्न एबी होगा, और टिंटर्न एबी जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, और जो वर्ड्सवर्थ है ये जो उन्होंने पोएम लिखी थी टिंटर्न एबी, ये 1798 में लिखी गई थी। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क्यू रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा लिखा गया मास्क्यून में से कौन सा है बताना है, कॉमस है, एरोपैगेटिका है या फिर लिसिदास है या फिर नन ऑफ दीज है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कॉमस, कॉमस इनके द्वारा लिखा गया एक मास्क्यू है मिल्टन के द्वारा, जो 1634 में पब्लिश हुआ था। ओके, एरोपैगेटिका जो है आपकी ये भी इनके द्वारा लिखी गई एक पोएम है, ये इन्होंने लिबर्टी की फ्रीडम के लिए इन्होंने इसके लिए वर्क लिखा था आपका, और लिसिदास आपके एक पास्टोरल एलिजी है जो इन्होंने 1637 में पब्लिश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, हु इज़ द डॉटर ऑफ शाइलोक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलोक की डॉटर कौन थी बताना है आपको, पोर्शिया थी, नेरिसा, बेल्थाजार या फिर जेसिका, तो 75 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका जेसिका, ऑप्शन नंबर डी, शाइलोक की जो है डॉटर थी वो जेसिका थी, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है आपका ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गया वर्क है, एक शेक्सपियर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, हु इज़ किंग लियर्स सेकेंड डॉटर इन सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड, किंग लियर की जो सेकंड डॉटर थी उसके हस्बैंड का नाम इसमें पूछा गया है, कौन सा है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, अर्ल ऑफ कैंट, ड्यूक ऑफ बर्गंडी या फिर ड्यूक ऑफ एल्बनी, तो 76 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो थे इनके हस्बैंड थे, और इनकी जो किंग लियर है, किंग लियर शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजडी है, और किंग लियर की जो बेटी थी, तीन बेटियां थी उसकी, थ्री डॉटर्स थी, सबसे बड़ी जो थी उनका नाम था गोनरिल, और सेकंड का नाम जो था रेगन था, जो रेगन के हस्बैंड के नाम का ही नाम इन्हें पूछा है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल,
और थर्ड जो इसकी प्ले की जो हीरोइन होती है उसका नाम होता है कोर्डेलिया। ओके नेक्स्ट देखते हैं 77 पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो था मिल्टन ने अपने लाइफ के कौन से फेज में लिखा था बताना है आपको, मिडिल, लास्ट, स्टूडेंट या फिर फर्स्ट। तो 77 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, लास्ट। ये उन्होंने अपने लास्ट फेज में लाइफ की लास्ट फेज में उन्होंने ये वर्क रिटर्न किया था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पास्टोरल कॉमेडी कौन सी है इनमें से। तो 78 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका एज यू लाइक इट है, सी ऑप्शन। और एज यू लाइक इट जो है वो आपकी 1599 से 1600 के बीच में लिखी गई थी, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज। मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है, एन एलिजी, एन ओड, ए क्लासिकल एपिक या फिर एक क्लासिकल ट्रेजडी। क्या है राइट ऑप्शन इसका? तो इसका राइट ऑप्शन आपका एक क्लासिकल ट्रेजडी है। ये क्लासिकल ट्रेजडी थी जो आपकी 1761 में पब्लिश हुई थी पैराडाइज रिगेंड के साथ। ओके चलिए इसे आप ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कई बार क्लोजेट का एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है, तो सैमसन एगोनिस्ट जो है ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें सेबेस्टियन का ब्रदर कौन है, एंटोनियो, अलोंसो, फर्डिनेंड या फिर गोरिजेलो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अलोंसो। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में जो सेबेस्टियन का ब्रदर है वो आपका अलोंसो है। 80 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और जो टेम्पेस्ट है इन्होंने ये 1610 से 1611 के बीच में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड ही टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनूमेंटल पोएटिकल वर्क। सिलेक्ट अमंग ऑफ फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन। 1637 में मिल्टन ने अपने फ्रेंड को बताया था कि वह एक अपने उन्हें अपना माइंड सेट कर लिया है मोनूमेंटल पोएटिकल वर्क लिखने के लिए। तो इसमें से बताना है कि कौन से फ्रेंड थे इनके, मिल्टन के फ्रेंड के बारे में पूछा है कौन से फ्रेंड थे वो, कौन थे, रिचर्ड पॉवेल थे, एडवर्ड किंग थे, हेनरी लॉवेस या फिर डायोडटी। तो फ्रेंड 81 का जो राइट ऑप्शन है आपका बी होगा, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो थे इनको ये बता रहे थे। और फ्रेंड्स जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ इनको एक पोएम भी कमेमोरेट करते हैं ये लिसिदास 1637 में जो लिखते हैं जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को जो है इंग्लैंड की ऑर्गन वॉइस, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कौन बुलाता है, किसके द्वारा कहा गया इनको, अर्नोल्ड के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ग्रे के या टेनिसन के। तो बताइए 82 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी होगा, टेनिसन। टेनिसन ने गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड बोला था। नेक्स्ट 83 फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वूमेन हु सेज दिस। किसने बोली थी लाइन फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वूमेन 83 में, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या मैकबेथ, कौन बोलता है। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ए होगा, हैमलेट। हैमलेट के द्वारा बोली गई ये लाइनें हैं। ओके और ये जो प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 फॉर वॉट इज़ द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज बाय शेक्सपियर। किसके लिए द माउस ट्रैप जो फ्रेज है शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया था, हैमलेट्स ट्रेजिक प्लो, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट या फिर हैमलेट्स कंसाइंस। तो राइट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। इसके लिए आपका द माउस ट्रैप फ्रेज जो था वो यूज़ हुआ था। नेक्स्ट 85 विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लैनेटरी नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो द लाइन्स द वो लाइन्स ओकरिंग। जो लाइनें दी गई हैं ऊपर ये आपको पूछा है कि कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स जो लाइनें हैं ये आपकी सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। अब जो सॉलिटरी रीपर है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है जब स्कॉटलैंड गए थे
तब इन्होंने वहाँ एक लड़की को गाते हुए सुनते हैं, तो तब वो जब वो गा रही होती है, इनको समझ नहीं आता कि वो क्या गा रही है, तब ये लाइनें बोलते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि ये क्या गा रही है। ओके, और जो सॉलिटरी रिवर है आपकी, ये आपकी 1807 में लिखी गई थी। और इसमें थ्री इयर्स शी ग्रू, ये आपकी 1798 में लिखी गई थी। ठीक है, माइकल जो है वो आपकी 1800 में लिखी गई थी माइकल। और लास्ट है आपकी एन एवनिंग वॉक, जो 1793 में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। ओके, हम आपको एक के साथ दूसरा फैक्ट जोड़ते चल रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर, कौन सी वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम में अपने नेचर के बहुत सारे मूड्स जो थे उनको डिफरेंट डिस्क्राइब किया है। द डैफोडिल्स लाइंस रिटन अबव टिंटर्न एबी, एन इवनिंग वॉक, या फिर द एक्सक्यूरेशन, किस में इन्होंने किया है ये? तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी है, लाइंस रिटन अबव टिंटर्न एबी, इसमें इन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में वो किसके साथ एसोसिएटेड है? विलियम ब्लेक के, विलियम कॉलिंस के, या फिर विलियम शेक्सपियर, या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो 87 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो लेक डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा ये द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन? टी एस इलियट ने, एस टी कॉलरिज ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो 88 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइनें जो है कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट, शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट है उसमें सेल्फ लव से कौन सिक था बताना है आपको? मालवोलियो था, सर टॉबी बेल्स था, या फिर सर एंड्रू एग्विचिक, या फिर ओलिविया? तो बताइए आप कौन था इसमें। तो 89 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो ए होगा, मालवोलियो जो था वो सिक ऑफ सेल्फ लव था ट्वेल्थ नाइट में। ओके, और जो आपकी ट्वेल्थ नाइट थी ये कब रिटन हुई थी? ये 1601 में जो थी पब्लिश हो गई थी ये। और उसके बाद जो इसका जो दूसरा नाम है, एक दूसरा नाम से भी इसको जानते हैं, ये है आपका व्हाट यू विल। ओके, आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि ट्वेल्थ नाइट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो व्हाट यू विल जो इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर सीन, जो स्लीप वॉकिंग वो सीन है वो किस में लिया गया है? किंग लियर से, मैकबेथ में, या ओथेलो के, मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो 90 का जो राइट ऑप्शन है आपका बी होगा, मैकबेथ। मैकबेथ में स्लीप वॉकिंग सीन ओकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। द करेक्टर ऑफ जैकवास इन एज यू लाइक इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो करेक्टर है जैकवास का इन एज यू लाइक इट, तो वो किस रूप में उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है? विम्सिकल, रोमांटिक, मेलनकॉलिक, या फिर एंग्री? क्या डिफाइन करता है उसको अच्छे से? तो फ्रेंड, जैकवास का करेक्टर है वो आपका मेलनकॉलिक दिखाया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स, हु सेड द अबव स्टेटमेंट ऑफ होम, बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है किसने कही है और किसके बारे में कही है। और ये फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली रिपीट होती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 92 का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ए हो जाएगा, जॉनसन और शेक्सपियर। ये जो लाइनें हैं आपकी ये बेन जॉनसन ने लिखी हैं आपकी शेक्सपियर के लिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स, शेक्सपियर के गुड फ्रेंड थे बेन जॉनसन, उनके द्वारा ही ये लिखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं।
इन द टेम्पेस्ट हु सी द फॉलोइंग लाइन्स एंड वाई. टेम्पेस्ट में ये लाइने किसने कही और क्यों. आई ब्रेक माई स्टाफ ब्यूरी इट सर्टिन फैथम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन एवर डिड प्लमट साउंड आई ड्राउन माई बुक. ये जो लाइने हैं टेम्पेस्ट में से हैं और ये किसके बारे में किसने कही और क्यों कही आपको बताना है. तो फ्रेंड जो 93 में ऑप्शन नंबर सही होगा वो आपका कौन सा होगा बताइए आप. तो 93 का जो ऑप्शन नंबर है आपका डी राइट होगा. प्रोस्पेरो ने ये लाइनें कही हैं. ही एश्योर्स द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक. प्रोस्पेरो बोलता है सबको अश्योर मतलब वर्ल्ड को अश्योर करता है वो कि अब वो मैजिक के साथ और डील नहीं करेगा. अब नेक्स्ट देखते हैं 94 में. नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन श्रम शेडिस होंट अमंग अरेबियन सैंड्स. फ्रॉम वेयर आर द अबोव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ. जो वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है. सॉलिटरी रीपर से, ऑड टू नाइटिंगेल से, टू द कोको से या फिर टू स्काईलार्क. किस से ली गई हैं ये. तो जो 94 का आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका सॉलिटरी रीपर होगा. ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर. और ये जो है ये पोयम है आपकी सॉलिटरी रीपर. ये लोनली लास है हु रीप्स ऑन द हाईलैंड्स. एक लड़की होती है जो रीप्स कर रही है मतलब फसल काट रही होती है हाईलैंड्स में. इन द पोयम द पोएट शोज हाउ द नेचर इज सिंपैथेटिक इन सफरिंग्स एंड सोरोज. कि जो नेचर होती है वो हमें सिंपथी भी करती है और हमारे दुख में साथ भी देती है. और जो ये पोएम थी आपकी 1807 में पब्लिश हुई थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 95. इट इज सैड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा. विच ऑफ दिस इज इट सैड टू बी. बताना है आपको ये. इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा. तो 95 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका सी द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स. नेक्स्ट चलते हैं 96. फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन. कौन सी लाइन्स जो है शेक्सपियर के प्ले से ली गई है. सॉरी ये कौन सी प्लेसेस ले गई है शेक्सपियर के. ये लाइन है लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. हैमलेट से, टेम्पेस्ट से, मैकबेथ से या फिर रोमियो एंड जूलियट से. तो 96 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा. मैकबेथ से लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट. जो ओथेलो की स्टोरी है वो कहाँ पर सेट की गई है. डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस या फिर इंग्लैंड. तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा. वेनिस. वेनिस में ओथेलो की जो स्टोरी है वो सेट की गई है. 98. व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट. देखिए मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है कि ट्वेल्थ नाइट का जो सबटाइटल है वो क्या था. तो ये है आपका व्हाट यू विल. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा. ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल. ओके नेक्स्ट 99. हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. द हैमलेट वॉज रिटन बाय. हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. इनकी जो हैमलेट है वो तो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है. बट जो द हैमलेट है वो किसने लिखी है ये आपको बताना है. तो जो 99 का सही ऑप्शन होगा वो आपका विलियम फॉकनर हो जाएगा. ठीक है. द हैमलेट जो थी वो रिटन की गई थी विलियम फॉकनर के द्वारा. शोज द डिप्रेव्ड स्नोब्स फैमिली एस्पेशली फ्लेम स्नोब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 100. लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू. जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है लूसी पोएम्स ये किसको रेफर की गई है. वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स ए ग्रुप ऑफ फाइव लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलेबोरेशन विद कॉलरिज या फिर वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स. तो बताइए 100 का राइट ऑप्शन क्या होगा आपका. तो जो 100 का राइट ऑप्शन है आपका ये एक सीरीज है फाइव पोएम्स की जो उन्होंने 1798 से 1801 के बीच में लिखी थी. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा. ए ग्रुप ऑफ फाइव लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ ये आपका राइट ऑप्शन होगा. 101. द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी वॉज. जो जॉन गैल्सवर्दी थे इनका जो फर्स्ट प्ले था वो कौन सा था. जस्टिस था, लॉयल्टीज, द स्किन गेम्स या फिर द सिल्वर बॉक्स. कौन सा था इनका फर्स्ट प्ले. तो ये द सिल्वर बॉक्स था इनका फर्स्ट प्ले जो था और इन्होंने 1906 में राइट किया था. नेक्स्ट विच इज़ नॉट शेक्सपियरियन ड्रामा.
शेक्सपियर का ड्रामा इसमें से कौन सा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकेंड, हैमलेट या फिर रिचर्ड थर्ड? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत टाइम्स रिपीट हो चुका है, शेक्सपियर का ड्रामा इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर एडवर्ड द सेकेंड है, ये आपका इनमें से नहीं है, क्योंकि एडवर्ड द सेकेंड जो है वो आपका क्रिस्टोफर मार्लो का है, जो उन्होंने 1593 में लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, जो डार्क लेडी होती है वो किसके सोनेट्स में अपीयर होती है? तो ये तो बहुत ही फेमस है, इसको तो आप एकदम पहचान सकते हो, शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उनमें डार्क लेडी अपीयर्स होती है, और शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। ओके, उनमें से कुछ इन्होंने डार्क लेडी को जो थे डेडिकेट किए हुए हैं। 104, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर की मैकबेथ से ये वर्ड किसने बोले हैं? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ही पेंटेड डेविल। तो इसमें बताना है आपको फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच या नन ऑफ दिस, क्या आएगा? तो 104 का राइट ऑप्शन जो है आपका, जो तो गिवन वर्ड्स है वो स्पोकन बाय द फर्स्ट विच इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, फर्स्ट विच के द्वारा आपके बोले गए हैं, ए ऑप्शन ही आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 105, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ओपन लाई टू डी फॉर टीयर्स, हु सेड इट? जो लाइनें दी गई हैं बताना है आपको किसके द्वारा दी गई हैं, ये जॉन कीट्स के द्वारा दी गई हैं, एल्फ्रेड टेनिसन के, पी बी शेली के, या फिर नन ऑफ दीज? तो 105 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई लाइनें हैं, इनमें से आपका कोई सा भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, उसमें से आपका ये लिया गया है लाइनें। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, शी इज, शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसमें जिसको उन्होंने फोर्थ विच के नाम से पुकारा है, तो ये कौन था बताइए आप? ओफिलिया थी, लेडी मैकबेथ थी, एमिलिया या फिर जूलियट? तो आपका जो है लेडी मैकबेथ फेमस थी ये फोर्थ विच के नाम से, इनको पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ या लेडी मैकबेथ के नाम से इनको जाना जाता है, बट इनको फोर्थ विच के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन्स इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइन्स ली गई हैं कि इफ़ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन? द टेम्पेस्ट से, ट्वेल्थ नाइट से, मैकबेथ से, या फिर रोमियो एंड जूलियट से? तो फ्रेंड्स, 107 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो ट्वेल्थ नाइट होगा, ट्वेल्थ नाइट से ये लाइनें ली गई है, और ये इनकी एक कॉमेडी है जो इन्होंने 1601 से 1602 के बीच में लिखी थी। नेक्स्टली, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वैगनेंस, दिस लाइन ओकर्स इन शेक्सपियर्स, ये लाइनें बतानी है आपको शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई हैं? द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वैगनेंस, हैमलेट से, किंग लियर से, द टेम्पेस्ट से, या फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस से? तो 108 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका द टेम्पेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। और ये जो प्ले है आपका शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है, आपको पता ही है, और ये इनके एक्ट फाइव और सीन फर्स्ट में लिया गया है, एक्ट फाइव और सीन फर्स्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो ऑकर्स इन, ये जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई हैं? ये हैमलेट से, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, द टेम्पेस्ट, या फिर द ट्वेल्थ नाइट, बताना है कहाँ से ली गई है? तो जो लाइनें हैं आपकी ये आपकी हेमलेट से ली गई लाइनें हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और एक्ट फाइव और सीन सेकंड से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, किसने कहा कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उसमें सिर्फ हीरो हैं, हीरोइंस हैं सिर्फ और हीरोज नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपका किसने बताया? बेन जॉनसन ने, जॉन रस्किन ने, थॉमस कैरलेल ने, या फिर विलियम हैजलेट ने? तो जो रिमार्क दिया गया है इनके बारे में, जॉन रस्किन ने दिया गया है, जॉन रस्किन के द्वारा, कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज, इनका जो वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम था उसका टाइटल जो था वो क्या था, बताना है।
डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था, लिरिकल बैलेट्स, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी या फिर द प्रिल्यूड। तो आपका 111 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस होगा, जिनका सब फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम था उसका नाम रखा था इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और इन्होंने 1793 में लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ ने कौन सी ईयर में अपने लिरिकल बैलेट्स में जो है अपना प्रीफेस ऐड किया था। तो 112 जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1800 में। तो फ्रेंड्स, जो ये लिरिकल बैलेट्स था इसमें इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था 1800 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एपिलॉग ऐड है, इसमें से बताना है आपको। द टेम्पेस्ट में, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हैमलेट या फिर ट्वेल्थ नाइट। तो 113 में जो है आपका जो एपिलॉग है वो आपका द टेम्पेस्ट में है, पार्ट टेम्पेस्ट में, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क, मेंशन दैट। इनमें से जो मिल्टन का एक वर्क्स है वो प्रोज वर्क है, वो बताना है आपको कौन सा है। लिसिदास है, पैराडाइज रेगेंट, पैराडाइज लॉस्ट या फिर एरोपेजिटिका। तो जो 114 का राइट ऑप्शन है ये आपका एरोपेजिटिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और ये जो इन्होंने लिखा था ये लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए लिखा था टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ओके, और ये इन्होंने 1644 में रिटर्न किया था, क्योंकि जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटेड थे प्रिंट्स, प्रिंटिंग प्रेस थी, उनको उनकी उनकी लिबर्टी के लिए उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा था, या इनके वर्क लिखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, 115। इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्थी डू वी हैव विलियम फॉल्डर। गर्ल्सवर्थी के कौन से प्ले में जो है विलियम फॉल्डर का करेक्टर आपको देखने को मिलता है। लॉयल्टीज़ में, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या फिर स्ट्राइफ। तो फ्रेंड्स, ये इनका बड़ा ही फेमस प्ले है जस्टिस, इसके करेक्टर्स आपको सारे याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो विलियम फॉल्डर इन्हीं में से एक है जो आपका जस्टिस में दिखाई देता है, और जस्टिस जो है आपकी 1910 में लिखी गई है। नेक्स्ट, इस टाइज ऑफ एट आयम्बिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी इज नोन एज। किस के नाम से जान जाता है ये, 116 में बताइए आप। रॉयल रॉयल्स, ओटेवारीमा, टेंशन स्टैंडास या फिर स्पेसन सैनियन स्टैंडास। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ओटेवारीमा। नेक्स्ट, पॉप्स एशियन क्रिटिसिज्म सम्स ऑफ द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टोट फर्स्ट बाई। 117 का राइट ऑप्शन जो है बताना है यहाँ पर, हो रहे से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज बाई। जो मेटाफिजिकल टर्म है, पोएट्स टर्म है, ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था, बेन जॉनसन के, डॉक्टर जॉनसन के, हेलन गार्डनर या फिर ड्राइडन। तो 118 का क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो बी होगा, डॉक्टर जॉनसन, इनके द्वारा सबसे पहले ये यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, गायनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन। जो गायनोक्रिटिसिज्म होते हैं किस पे फोकस करते हैं ये बताइए। क्रिटिसिज्म ऑन वीमन, क्रिटिसिज्म बाय वीमन, क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वीमन राइटर्स या फिर वुमेन्स एज राइटर्स। तो 119 का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, वुमेन एज राइटर। ओके, इस पर फोकस करते हैं ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो बताना है आपको, इसका राइट ऑप्शन साइंस फिक्शन है, ए रोमांस है, ए शॉर्ट स्टोरी है या फिर मेटा फिक्शन है। तो 120 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, मेटा फिक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। पेरिपिटिया मीन्स, पेरिपिटिया का आपको मीन्स बताना है क्या होता है। प्रगेशन ऑफ इमोशंस, ट्रेजिक फ्लो, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या फिर रिकग्निशन ऑफ एरर। तो आपका 121 का राइट ऑप्शन होगा आपका। तो पेरिपिटिया का जो मीन्स होता है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट देखते हैं प्री रेफ्लाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद। जो प्री रेफ्लाइट पोएट्री होती है वो मेनली कंसर्न होती है किसके साथ, नैरेटिव एंड स्टाइल, नैरेटिव एंड नेचर, फॉर्म एंड डिज़ाइन या फॉर्म एंड वैल्यू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, फॉर्म एंड डिज़ाइन। जो प्री रेफ्लाइट पोएट्री थी वो आपकी फॉर्म एंड डिज़ाइन से जो थी कंसर्न थी। जो प्री रेफ्लाइट पोएट्री थी वो मेनली कंसर्न थी विद फॉर्म एंड डिज़ाइन। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड बाई विलियम सॉल्मन हंट, जॉन एवरलेट, मिलास एंड डांटे, गैब्रियल रोसेटी इन 1848। ओके, ये ग्रुप था जिसमें थ्री वर्ड्स थे और ये इनके तीनों पोएट्स के द्वारा ही ये फाउंड किया गया था 1848 में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 123। द राइमिंग स्कीम ऑफ ए स्पेंसरियन सोनेट इज, स्पेंसरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा आपका, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी और ई ई, ये आपका राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं फेमिनाइन एंडिंग रेफर्स टू। जो फेमिनाइन एंडिंग होती है वो किसको रेफर करती है, ए स्ट्रेस्ड फाइनल सिलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स, द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन ए स्ट्रेस्ड सिलेबल, द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, द अनस्ट्रेस्ड फाइनल सिलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट होगा 124 में, द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। नेक्स्ट 125, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मिस्ट्री प्लेस डील विद, जो मिस्ट्री प्लेस होता है वो किसके द्वारा डील करते हैं। तो जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं वो आपका न्यू टेस्टामेंट इसका राइट ऑप्शन होगा, द न्यू टेस्टामेंट। ओके, तो फ्रेंड्स लास्ट में जो आपका है मिस्ट्री प्लेस जो है आपको बताना है कि मिस्ट्री प्लेस के जो राइटर्स थे, मिस्ट्री प्लेस के राइटर किस तौर पर किसको जाना जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा जिसको पता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी।